देखिए तो हमारी जो बीपीएससी की यात्रा जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, समय तो आप लोग को पूरा भरपूर मिला था और सिलेबस भी के साथ साथ आपको जो समय जो मिलना चाहिए पहले ही आपको बता दिया गया था सर, आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम होनी है। ठीक है, एग्जाम की तारीख जो थी आज से साल भर पहले निर्धारित कर दी गई थी, क्योंकि हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन जो थे अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने बोला था सर प्रति वर्ष 30 सितंबर को एग्जाम होगी और ठीक उसके 2 महीने के बाद आपकी मेंस की एग्जाम भी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बीपीएससी की तैयारी जो होते हैं ना वो मतलब सीजनली वो साल भर एक्टिव नहीं होते हैं और फिर मतलब क्या करते हैं अंतिम समय में जाके मतलब जब उनके पास जब मुश्किल से जब 100 दिन बचता है तब वो सोचते हैं इतने समय में लोग प्रीलिम्स करेंगे और वो पूरा समय वो प्रीलिम्स में देते हैं। उसके बाद जब उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर वो मेंस करना शुरू करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सालों भर प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं। ठीक है, और जब उनका मेंस जब क्लियर हो जा प्रीलिम्स जब क्लियर जब हो जाता है तो उनके पास मेंस के लिए वक्त नहीं होता है। तो बीपीएससी का ये जो तैयारी करने का तरीका जो है बिल्कुल ही मतलब गलत है, ये तरीका नहीं है। बीपीएससी तो सबसे पहली बात है सर आपको सालों भर आपसे तैयारी मांगता है। ठीक है, सालों भर आपसे प्रीलिम्स की तैयारी नहीं मांगता है, इंक्लूडिंग मेंस का भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जो कि आप प्रीलिम्स के साथ मेंस नहीं लिखोगे, भले ही आप एक ही क्वेश्चन लिखो बट आपको प्रतिदिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 पेज लिखो 3 पेज लिखो प्रतिदिन लिखो। ठीक है, मैं शुरू से इसलिए तैयारी करवाता हूँ कि मैं बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं देता हूँ। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स का आपने एक दिन अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का कर लो, 2 क्वेश्चन ही लिखो लेकिन प्रतिदिन लिखो। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रोग्राम में प्रतिदिन मेंस की राइटिंग होती है और प्रतिदिन आप साथ में प्रीलिम्स की भी क्लासेस करते हो। ठीक है, हमारे यहाँ का जो प्रोग्राम है दूसरे यहाँ का प्रोग्राम में आपको डिफरेंसेस क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है हम अपना किसी मटेरियल को फॉलो नहीं करते, हम कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर मेरे पास इतना मैन पावर है, नहीं इतना मेरे पास आर्थिक है सर हम किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से हम बेहतर मटेरियल बना लें। जब ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके बहुत सारे अच्छे मटेरियल को बना रखा है तो उसमें हम अपना दिमाग लगा के उसी को मटेरियल कॉपी करके अपना नाम क्यों देने जाए। क्योंकि आप किसी भी नया मेंटरशिप प्रोग्राम को आप देख लो, उनके मटेरियल को देखो कहीं ना कहीं से दे आर टोटली इंस्पायर्ड टोटली कॉपी होता है, बस उनका नाम होता है। तो उसमें मैं वक्त न देकर हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट को चुना है और उनके जो मतलब प्री क्वालिफाइड मटेरियल्स हो तो उनको मैं बच्चों से लागू करवाता हूँ, उनको मैं कंप्लीट करवाता हूँ। अब मुझे लगता है इससे मैन पावर भी कम लगता है और उनका जो मटेरियल होता है बेहतर होता है, मुझे चुनाव करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अगर 5 इंस्टीट्यूट बिहार में अगर कोई अच्छा बीपीएससी के करवा रहा है तो मैं पांचों को देखूंगा जो बढ़िया करवाएंगे, मैंने उसमें से फिल्टर किया। जैसे जस्ट लाइक परफेक्शन आईएएस की बात करेंगे तो भाई साहब उनका टेस्ट सीरीज अच्छा होता है प्रीलिम्स का, एडिटोरिया की बात करेंगे तो उसके मेन से राइटिंग हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एडिटोरिया की अगर बात करें तो उसने 3 टेस्ट सीरीज निकाला, एक टेस्ट सीरीज जो है उनका जुनून के नाम से, एक टेस्ट सीरीज जो है उनका एनसीईआरटी के, आई थिंक दो ही है। ठीक है, एक एनसीईआरटी के नाम से उनका दोनों टेस्ट सीरीज अच्छा है। तो हमने दोनों टेस्ट सीरीज को क्या किया, फॉलो करवाया, आप लोग को उनका जो भी मटेरियल जो होता है हमारे यहाँ मिल जाता है। अब आपको करना है क्या, सारी चीजें तो हो गई, आपको प्रतिदिन आपकी क्लासेस किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ग्रुप के लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको मुख्यतः 4 ग्रुप में रहना है। अब लोग 4 ग्रुप का, तो जहाँ एक जहाँ अभी आप बीसी को आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपका एक ग्रुप होगा जो कि बीपीएससी रेजुलेशन प्लस बैच उन्मेष के नाम से है, आप उन्मेष ग्रुप के ही आप छात्र हो। दूसरा जो है सो आपके चैनल का आपको लिंक दिया गया जो कि यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिंक जो है इसको आपको ज्वाइन करना है। इसमें क्या होंगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रीलिम्स में आपको क्या क्या पढ़ना है सारा यहाँ पे स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। ठीक है, सारे के सारे स्टडी मटेरियल की बात करें प्रीलिम्स के हैं और इन स्टडी मटेरियल से आप मेंस के नोट्स भी बना सकते हो, कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लिंक की बात करेंगे तो आपको मेंस ग्रुप का लिंक है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेंस के आपको डेली क्वेश्चन यहाँ पे अपलोडेड होते हैं। ठीक है, और तीसरा ग्रुप का लिंक जो है जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिख के आपकी कॉपी को यहाँ पे सबमिट करनी है और ये कॉपी आपको 24 घंटे के अंदर में, मिनिमम 24 घंटा, मैक्सिमम 48 घंटा भी होता है, कभी कभी मैं भी वर्किंग हूँ तो काम में फंस जाने की वजह से, लेकिन विद इन 48 घंटा के अंदर में आपकी कॉपी चेक हो जा रही है। ठीक है, आप कॉपी बायलिंगुअल लिखोगे, हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करना है, जैसे मैंने बता दिया से 3 ग्रुप में 4 ग्रुप में आपको रहना है जिसमें आप एक बीसी कर रहे हो, एक आपका चैनल का लिंक होगा जो कि प्रीलिम्स के लिए लिखा हुआ है, एक मेंस का लिंक हो गया, एक कॉपी का लिंक हो गया। ठीक है, तीनों लिंक मैंने दे रखा है, अभी ग्रुप को रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेंस वाले ग्रुप में जाना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट होंगे जो कि बिल्कुल ही बिगनर्स होंगे,
जिन्होंने तैयारी क्या की अभी प्रारंभ की है, ठीक है, उनको पूरी सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। या फिर हो सकते कुछ अंडर ग्रेजुएट भी होंगे जिनको लगता है से अभी मतलब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन में अभी अपना ग्रेजुएशन मतलब कवर कर रहा हूँ, अभी कर रही हूँ, और दो तीन एक मेरे पास 1 साल का समय है, 1.5 साल का समय, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कुछ समय अपना प्रिपरेशन को दूँ, और जब मेरा ग्रेजुएशन हो तो उसके बाद का जो वैकेंसी जो आगे 6 महीना साल भर मेरे पास फिर भी होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे से मतलब एग्जाम को फेस करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए हमारे यहाँ जैसे आप डेली मेंस एस राइटिंग छोड़ के अब हम जो वीकली सीरीज को कवर कीजिए, ठीक है, दो तरह का मेंस एस राइटिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जो है आपका डेली है, दूसरा जो वीकली है। अब यहाँ पे डेली और वीकली में क्या अंतर है, देखिए तो डेली वीकली जैसे हमने अपने मन से बना रखा है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमने उसको डेली और वीकली में बांट रखा है, ठीक है। जस्ट लाइक आप डेली और वीकली में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात की बात करेंगे वीकली सीरीज में आप बात करेंगे ना, तो वीकली सीरीज जिसको हम कहते हैं उसमें 7 क्वेश्चन का आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिस्ट्री अगर आपने शुरू किया तो हिस्ट्री का जो पेपर जो होगा उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 7 होगी, साथ में आपको मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 7-7 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 3 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 8-8 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और 30-38 मार्क्स के मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल पेपर की बात करेंगे तो ये आपको 40 नंबर से यहाँ से, 24 नंबर यहाँ से, और ये हो जाएगा 76 नंबर, ठीक है। ये कितने हो गए, 114 नंबर हो गए, ठीक है। एक्चुअली में जो आपका GS पेपर 1 में जो हिस्ट्री जो आती है 114 नंबर की ही हिस्ट्री आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नए बच्चे हैं जिनको लगता है हम पूरा इंटायर सिलेबस को कवर करें, ठीक है, मेरा पूरा एक तरह से हिस्ट्री कवर हो जाए, एक तरह से मेरा पॉलिटी कवर हो जाए, मेरा IR कवर हो जाए, ठीक है, मेरा SA कवर हो जाए, तो आपको क्या करना है, एडिटोरिया की फिलहाल वीकली वाली जो टेस्ट सीरीज जिसका मैंने नाम बताया उसको आपको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप तो 2 सेक्शन को आप चुन लीजिए, या तो आपको लगता है हिस्ट्री इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, ठीक है, हिस्ट्री को चुनिए, या फिर आप कहिए पॉलिटी को चुनिए, दोनों में से किसी भी एक सेक्शन को मतलब क्या कीजिए चुनिए, ठीक है। आप वहां पर जब जाओगे तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन की सीरीज मिलेंगे, जैसे कि आई थिंक पॉलिटी वाला में 11 क्वेश्चन है एक पेपर में, और हिस्ट्री वाला में 7 क्वेश्चन है, एक दिन में लगाना आपके लिए संभव नहीं होगा, ठीक है। हालांकि 114 नंबर का पेपर जो है जब आप मेंस को जब अटेम्प्ट करने जब जाएंगे आफ्टर प्रीलिम्स तो आपको एक दिन में पेपर को सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल आप इसको एक दिन में नहीं कर सकते, 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है ना, 7 क्वेश्चन है आपको इस पेपर को 3 दिन में खत्म करना है। अब बोलोगे सर 3 दिन में कैसे खत्म करना, देखिए तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले क्यों दिया, क्योंकि आपको पहला दिन होगा, छोटा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, तो पहला दिन में आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दूसरा दिन आप थोड़ा मोटिवेट होगा, आपकी थोड़ी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, तो आप ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जहां पे आपको 3 क्वेश्चन हुए, 2 से आप क्या आ गए, 3 आ गए। अब यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, जिसने भी सेट बनाया बहुत अच्छा, उसने बोला सर क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 3 से क्या कर दिया, कम कर दिया, 2 कर दिया, लेकिन थोड़ा सा एंगल वाइड कर दिया जहां पे शब्दों की संख्या अधिक हो गई, ठीक है। तो पहला दिन में 7 नंबर वाले प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए, सेकेंड डे में 8 मार्क्स के प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, और थर्ड दिन में आप क्या कीजिए 38 नंबर वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, या फिर आपको लगता है सर नहीं 38 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चन हो तो मेरे लिए थोड़ा हैप्टिक हो जाएगा, हैप्टिक हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए इसको भी 2 दिन में बांट दीजिए, एक दिन में 1 क्वेश्चन कीजिए, दूसरे दिन में 1 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ये हो गया, आप इसी तरीके से हिस्ट्री का भी कर सकते हैं, आप पॉलिटी को भी कर सकते हैं, आपको दोनों में से कोई एक सेक्शन चुनना है, पॉलिटी भी आपके एग्जाम में 114 मार्क्स के आते हैं, आवाज नहीं आ रहा। हेलो आवाज आ रही क्या अभी, यस सर। ये वाईफाई का इंटरनेट चला गया था इस वजह से ऐसा हो गया था, मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से, वाईफाई के साथ यही सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो हमने कहाँ पे बात किया, तो कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं साउंड में, ठीक है ना साउंड के हेलो, के सर आ रही है आवाज। हाँ स्क्रीन आई थिंक नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन, चलिए अब ठीक है। नहीं तो दिख यहाँ पे आपको क्या करना है, हिस्ट्री पॉलिटी में से किसी भी एक चीज को चुन लेना है, दोनों को दोनों आपको 114 नंबर के आएंगे, ठीक है।
और अच्छी बात क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी की करने के बाद ये दोनों सब्जेक्ट 114 नंबर का वेटेज रखते हैं। हिस्ट्री आपका एग्जाम में भी ठीक ठाक वेटेज रखता है, पॉलिटी आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कम आता है लेकिन मेंस में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक सेक्शन को उठाइए। ठीक है, या तो आप हिस्ट्री कीजिए या तो पॉलिटी कीजिए। चलिए, तो ये पहले टाइप्स का टेस्ट सीरीज हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये बिगनर्स के लिए है, नए बच्चे उनके लिए, इनसे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक तरफ से हिस्ट्री एक तरफ से पॉलिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा दूसरा टेस्ट सीरीज है, जिन्होंने कभी तैयारी कर रखी है और उनको ओवरऑल आइडिया है से लिखते कैसे हैं, उनका सिलेबस ठीक ठाक कवर है, उनके लिए डेली वैसे आपको डेली आपको क्या किया जाएगा, डेली आपको डे वाइज आपको क्या किया जाएगा, आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब डे वन का मिलेगा, ठीक है, डे टू को मिलेगा, ठीक है, डे थ्री के मिलेगा, कभी एक क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी दो क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी 7 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी 38 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको रैंडमली मिलेंगे, कभी इकोनॉमिक्स से आ सकता है, कभी ज्योग्राफी से आ सकता है, कभी साइंस एंड टेक्स से आ सकता है, हिस्ट्री से भी आ सकता है, ऐसे इसमें रैंडमली मिलेगा क्वेश्चन। और यहाँ पे रैंडमली क्वेश्चन का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर वे में हिस्ट्री पॉलिटी को आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हो। तो दोनों में से किसी भी टेस्ट सीरीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप डेली कर लीजिए, या फिर आप डेली वाला डेली टेस्ट सीरीज, या फिर वीकली वाला जो मैंने आपको बताया, 1 वीक का आपको दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि उसको 3 से 4 दिन में आपको समाप्त करना है, जो कि यूटीडिया का है। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ और है, ठीक है, वो आपको अभी नहीं लगाना, वो अभी किसी को भी नहीं लगाना है, वो आपको प्रीलिम्स के बाद है। आप बोलोगे सर प्रीलिम्स के बाद क्यों, जब आपकी प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगी तो आप एक क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहोगे और आपके पास टेंशन भी नहीं है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया, यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस, आपका मेंस के लिए आप क्वालिफाइड हो, आपको मेंस देना है तो आपके लिए पूरा दिन तो फ्री है, आप टोटली फ्री माइंड से आपका केवल आपको मेंस ही लिखना है, तब जाके आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा पूरा पूरा GS पेपर 1। और GS पेपर 1 में क्या मिलेगा, तो 300 नंबर का पेपर मिलेगा, इसको बोलते हैं फुल टेस्ट सीरीज। तो अभी आपको क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन लिखना है मैक्सिमम, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप जितना लिख सको, इट डिपेंड ऑन योर एफिशिएंसी। लेकिन जब आप प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर देंगे, तब आपको 300 नंबर वाले पेपर पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, जिसको बोलते हैं फुल टेस्ट सीरीज, ये भी आपको यहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कहाँ से लें, आप कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है किस प्रकार से हमको करना है, ये आपको चुनना है, आपको डेली करना है फिर वीकली करना है, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कहाँ से लेना है। क्लियर है नहीं, सभी लोगों कोई डाउट को? नहीं। ठीक है, और कोई किसी से भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, हो गया ना। आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से लेना, तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 लिंक आपको प्रोवाइड किया, पहला वाला प्रीलिम्स का लिंक है, दूसरा वाला मेंस का लिंक है, और तीसरा वाला जो है कॉपी सबमिशन का लिंक है। आपको मेंस के लिंक पे क्लिक करना है तो आप मेंस वाले ग्रुप में चले जाओगे। ठीक है, मेंस वाले ग्रुप में जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, तो जैसे आप मेंस वाले ग्रुप में जैसे आप एंट्री करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरह का मतलब आपको फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप जाएंगे ना तो क्वेश्चन का 1 मिनट आपको बहुत सारे क्वेश्चन डे बाय डे यहाँ पे अपलोड है, और मैं यहाँ पे आपको एक शेड्यूल डाल रहा हूँ, जरा आप लोग यहाँ पे देखिएगा। चलिए, यहाँ पे आप जैसे आप मेंस में आप गए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लिंक दिखेगा, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4। ठीक है, लिंक नंबर 1 पे जो आप सॉरी लिंक नंबर 1 पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको वीकली हिस्ट्री जो टेस्ट है वहां पे आपको डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पर जाइए तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का डे 1 आपको दिख रहा है, डे 1 दिख रहा है ना, वहां पे आपको पहले क्वेश्चन दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको मॉडल आंसर देखा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, आपने डे 1 को कंप्लीट कर लिया, आपको डे 2 में आना, डे 2 में भी आपको सेम चीज मिलेगा, फिर आपको डे 3 में आना। इसी तरह हिस्ट्री के टोटल टेस्ट की बात करेंगे ना, इस तरह का आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे डे 2 दिखा हुआ है, डे 2 के जो क्वेश्चन जो होंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 8 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे 38 मार्क्स की भी बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे हिस्ट्री के 7 टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, 7 × 7 मतलब टोटल क्वेश्चन का संख्या के बारे में 49 क्वेश्चन जो होंगे हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज में आपको टोटल देखने को मिलेंगे।
इस 49 क्वेश्चंस को आपको कितने दिन में करने हैं, तो मैक्सिमम आप क्या हो रहे 21 से 22 दिन में इसको, मतलब 21 to 22 डेज में अपना हिस्ट्री आप कवर कर लीजिए, ठीक है। ये इनफ समय होगा, वैसे 25 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 2-3 दिन हम बचा ले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको हिस्ट्री हो गया। आप बोलोगे सर हमको हिस्ट्री तो नहीं करना, हमको पॉलिटी के साथ जाना है, तो इसी ग्रुप में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा लिंक नंबर 2 की बात करेंगे तो आप सीधे पॉलिटी के टेस्ट सीरीज के साथ आप चले जाओगे। यहाँ पे आपको पॉलिटी का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, जहाँ पे पॉलिटी का टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, तो पॉलिटी के टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, तो पॉलिटी के टेस्ट सीरीज में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या अधिक है, ठीक है। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, 5 to 7 हो गया। और सेकेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7, 8, 10 यहाँ पे हो गया, 10, 11 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके भी टेस्ट सीरीज आपको कितने, तो इसके भी आपको 7 टेस्ट सीरीज आपको दिए गए, ठीक है। तो 11 into 7 77 क्वेश्चन जो है पॉलिटी, और कुछ टॉपिक इसमें आईआर के भी है, यहाँ से आपको कंप्लीट करने, ठीक है। तो यहाँ से आपने पॉलिटी और हिस्ट्री को कर लिया, या फिर जिनको, अगर मान लीजिए जिनको डेली टेस्ट सीरीज के लिए आपको जाना है, तो डेली टेस्ट सीरीज के लिए आप लिंक नंबर 4 पे क्लिक करेंगे। लिंक नंबर 4 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे प्रतिदिन के हिसाब से इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो ये आपको लिंक नंबर 4 पे जाते ही आपको इस तरह के दो दो क्वेश्चन आपको प्रतिदिन आपको देखने को मिलेंगे। और इसको क्या करना है, इसको जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो उसके नीचे साथ में आपको मॉडल आंसर राइटिंग भी डाला गया है, और सबसे अच्छी बात क्या, आपको बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। मॉडल आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो आपको ये बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ऊपर में आपको इंग्लिश आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे की बात को हिंदी में होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आप डेली वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप बोलेंगे सर नोट्स कहाँ से बनाए, तो देखिए जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का हम अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ी ही देर में आपको ग्रुप से मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास भी कुछ सोर्सेस होंगे तो वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन हमने नोट्स का जो बहुत सारा सोर्सेज जो है सो डाल दिया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नोट्स के, मतलब जैसे ही आप किसी भी टेस्ट सीरीज को खोलेंगे ना, तो उसके नीचे आपको नोट्स के सोर्सेस भी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज को हमने क्लिक किया, तो हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज जैसे ही मतलब समाप्त होगा तो उसके बाद आप देखोगे तो उसके कुछ नीचे में आप जाने के, आपको उसके नीचे कुछ पीडीएफ वगैरह मिलेंगे जहां से आप आराम से चाहे तो नोट्स बना सकते हो। एवरी टॉपिक के लिए मतलब यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइडेड किया गया है, जो कि इसी ग्रुप में अगर दिक्कत हो तो यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, फाइल में जाके आप ढूंढेंगे तो इसमें आपको आराम से सारे पीडीएफ इंक्लूडिंग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको नोट्स के लिए, तो अगर नोट्स के लिए अगर आपको कंसीडर करना है तो आप प्रीलिम्स सॉरी मेंस का जो आपको पॉलिटी का जो नोट्स होता है उसके लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रीफर कीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी बहुत सारा पीडीएफ है, जो कि आपको प्रीलिम्स वाले ग्रुप में भी मिलेंगे, मेंस वाले ग्रुप में भी मिलेंगे। आप मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो डेली भी आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एज्योर भी, आप जो भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहे उस टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेंस हो जाता है, ठीक है। अब हम जो चलते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको देखेंगे प्रतिदिन आपको टॉपिक दिया जाएगा। जैसे टॉपिक में भी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग दो तरह के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर, जो मंथली मैगजीन जो आती है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को भी उसको फॉलो करना। बोलेंगे सर कब से करंट अफेयर्स करें, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 9 महीना के करंट अफेयर्स करना, आपकी एग्जाम सितंबर में होने वाली है, तो जनवरी से लेकर सितंबर के करंट अफेयर्स को आप कवर कीजिए, ठीक है। मंथली मैगजीन आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, हर महीने की आती है, आपको मतलब किया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे सर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस कहाँ पे करें, तो दृष्टि आईएएस की भी मंथली मैगजीन का एमसीक्यू आता है, जो कि ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे लिंक दिया हो, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देंगे दृष्टि आईएएस फरवरी पार्ट 2 करंट अफेयर, क्योंकि जनवरी का मैंने करवा दिया है, फरवरी यहाँ पे चल रहा है, पीछे से ही करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश रही, ठीक है, और उसी तरह से आपको यहाँ पे देखेंगे तो सेम चीज आपको हिंदी में भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका करंट अफेयर्स के लिए हम लोग दो चीज कर रहे हैं, एक आपका दृष्टि आईएएस का एमसीक्यू कर रहे हैं, साथ में परफेक्शन आईएएस का हम लोग डिटेल्स में करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, ठीक है। बिहार के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है। तो बिहार के लिए देखिए, बिहार के करंट अफेयर्स के लिए हमने बोला था सबको, सब केजीएस का करंट अफेयर्स कर लीजिए, या फिर परफेक्शन आईएएस के मैगजीन का कुछ पार्ट जो होता है ना, बिहार इंक्लूडिंग होता है, मतलब बिहार भी उसमें आपको होता है, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं होता। अगर बिहार अगर बहुत ज्यादा डीप में अगर करंट अफेयर्स को पूछ दिया तो हमारे लिए इश्यू क्रिएट कर सकता है, तो हम लोग सेफ प्ले कर रहे हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो हम लोग केजीएस का बिहार हम लोग कर सकते हैं, केजीएस की अच्छी बिहार आती है, वहां से आप लोग कर सकते हैं, मैंने भी करवाना शुरू किया, आई थिंक 2 ही क्लास हमारी हुई है, ठीक है। और तीसरा की बात करेंगे ना, तो आपको क्या करना है ना,
बिहार, बिहार प्रॉपर कहाँ से पढ़े थे? केबीसी नैनो की किताब आती है जो कि मार्केट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आई थिंक 6 या 7 एडिशन चल रहा होगा, तो केबीसी नैनो का किताब ले लीजिए, वहां से आप बिहार कर सकते हो। अलग हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने सबको मतलब अच्छे से पीडीएफ बना के दे रखा है, मेरे पास इंग्लिश नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। आप लोग चाहे तो बहुत महंगी नहीं आती है ले लीजिएगा, फिर बोलेंगे तो मैं उस किताब को लेकर फिर पीडीएफ बना के आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन बेटर होगा सर बिहार कम से कम एक फिजिकल रूप में आप बुक को खरीद लें। ठीक है, तो बिहार बता दिया मैंने, करंट अफेयर्स के लिए परफेक्शन आइज फॉलो करना है, बिहार के लिए केबीसी नैनो को फॉलो करना है। अब हम लोग देखेंगे से शॉर्ट टर्म में हम रिवीजन क्या करें, तो शॉर्ट टर्म में रिवीजन करने के लिए हमने बूस्टर सीरीज आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, बूस्टर सीरीज को लेने के लिए तो आप यहाँ पे आपको जाना, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप पीटी वाले प्रीलिम्स वाले ग्रुप में जाओगे तो वहां पे आपको बूस्टर सीरीज के लिए एवरीथिंग आपको अपलोडेड है। ठीक है, जहां पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको पॉलिटी या हिस्ट्री से आप यहाँ पे शुरू कीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर मेडिवल हिस्ट्री से। जैसे मान लीजिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया, इसे हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों प्रोवाइड किया, ये कितने पेज में दिया, 50 पेज में दिया हुआ है, और 50 पेज में प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट रिविजन करने के लिए बहुत अच्छा है। इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, फिजिकली रूप में निकलवाना है, और ऐसा नहीं कि मेडिवल भी एक दिन में निकाल लिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी निकाल लिए, एंशियंट हिस्ट्री भी निकाल लिए, ज्योग्राफी भी निकलवा लिए, पॉलिटी भी निकाल, ऐसे नहीं करना है। आपको दुकान पे जाना है, मेडिवल हिस्ट्री निकलवा लेना है, ज्योग्राफी निकलवा लेना है, एनिशेंट हिस्ट्री, कोई एक किसी भी चीज को सुन लीजिए जो आपके लिए क्या कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसको पढ़िए, 4 से 5 से 6 दिन में उसको खत्म कीजिए, और उसके बाद जाके उसको साइड कीजिए, फिर जाके दूसरा पीडीएफ निकालिए। एक ही साथ सारा निकल के लाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बर्डन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है, मतलब मेरा टारगेट है से कम इसको एक एक महीना के अंदर समाप्त करवाओ, और जब आप इसको खत्म कर देंगे तो फिर इसके रिगार्डिंग हम वीसी लेकर आएंगे, जहां से आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा, और आपने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग में सारा क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे शॉर्ट टर्म में रिविजन के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, वल्नी आईएएस का है, इन्होंने काफी बढ़िया से क्या क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट सारे चीजों को लिखा है। जैसे फर्स्ट मतलब भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, यही इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही शॉर्ट टर्म में एकदम टू द पॉइंट चीजों को लिखा है, जहां से सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को आता है। तो आपको बूस्टर सीरीज के तौर पर इसको फॉलो करना है, जो कि प्रतिदिन आपको टारगेट दिया जाएगा। जैसे कि आज मैंने क्या लिखा था, आज मैंने यहाँ पे टारगेट आप लोग को दिया था, हाँ 1 to 4 नंबर जो पढ़ना था मेडिवल हिस्ट्री का, 1 से लेकर 4 नंबर पढ़ना था। तो आप यहाँ पे जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री का 1 से लेकर 4 नंबर में क्या था, टॉपिक को देखिए, और टॉपिक का 1 से लेकर 4 नंबर में जो भी था, 1 से लेकर 4 पेज तक की पढ़ना था आपको। अब देखो क्या था 1 से लेकर 4, तो यहाँ पे आपको त्रिपक्षीय संघ ट्रिपलेट के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि मेडिवल इंडिया का अच्छा टॉपिक है। तो 1 से लेकर 4 कितना पेज है, 41 पेज में आपको दिया है मैक्सिमम, जिसमें से 4-5 पेज जो है इसका एडवर्टाइजमेंट भी होता है, तो 7 से 8 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मैक्सिमम। 4 से 5 पेज भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कलम पेंसिल उठाइए, इसको पढ़ पढ़ के खत्म कीजिए, 1 से 1.5 महीना में इसको खत्म कीजिए। आपके पास पूरे पूरे अभी से 100 दिन है, 100 दिन कम नहीं होते, बहुत होते हैं। ठीक है, 3 महीना से अधिक का समय, 10 दिन अगर आप बर्बाद भी कर देते तो भी आपके 90 दिन होते हैं। अगर आपने पहले से थोड़ी भी पढ़ रखी है तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए ये 90 दिन आपके लिए गोल्डन रहने वाले हैं। आप बहुत अधिक है, ये कम समय नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम समय है, तो आप आराम से मतलब यहाँ से इसको मतलब क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन मैं आपको टारगेट दे दूंगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए प्रीलिम्स के शॉर्ट रिविजन कहाँ से करना है, बिहार से कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और आखिरी समय में आप चिंता मत करें, आपके प्रैक्टिस करवाने के लिए परम आईएएस के साथ जुड़े हुए आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे, जहां पे आपको 50-50 क्वेश्चन का क्या होगा, तो सीरीज होगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का सीरीज होगा। ठीक है, जो कि टॉपिक बेस्ड होंगे, जो कि आखिरी समय में मैं आपको दूंगा। ठीक है, और यहाँ से आप आराम से चाहे तो यहाँ से आराम से आप प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज हो गया, बच गया, तो टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, तो टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग दो चीज कर रहे हैं, एक परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज है, यूरोटेरिया का टेस्ट सीरीज है, दोनों का टेस्ट सीरीज करना है। ठीक है, वीक में एक बार होता है, आपको टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, आप उसको बनाइए, फिर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, तो यहाँ से आपकी टेस्ट सीरीज की भी समस्या जो है वो अभी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, परफेक्शन और यूरोटेरिया, ठीक है, बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज को नहीं निकालना है, नहीं उस पर दिमाग में लगाना। बाकी मैं डिस्कशन अदर भी टेस्ट सीरीज का करवाता हूँ तो आप उसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सुनने में, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, लेकिन इन दो टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, परफेक्शन है यूटीडिया का, तो इसको आपको क्या करना है, फिजिकली फॉर्म में निकालना है, और इसको अच्छे से आपको क्या करना है,
काम करना, ठीक है। यही आपका जो है 90 दिन का, मतलब ये प्लान 100 दिन का प्लान रहने वाला है, और यही से आपके प्रीलिम्स की कल्याण हो जाएगी, ठीक है। रही बात साइंस, ठीक है, तो साइंस में मैं समझता हूँ कुछ लोगों का वीक भी हो सकता है, बहुत ही भाष है, ठीक है। तो साइंस का मैं सिलेक्टेड टॉपिक आप लोग को दूंगा, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िएगा, सिलेक्टेड टॉपिक आपको मटेरियल भी आपको यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा प्लान है, इसमें आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग वेलकम है। और रही बात इसमें किसी भी प्रकार का किन्हों को कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट का बिहार करंट अफेयर कैसा रहा? डिस्ट्रिक्ट और किसकी करंट अफेयर्स? डिस्ट्रिक्ट और दृष्टि का करंट अफेयर्स बिहार का ठीक होगा।